कल जो ऑगी ने इंजेक्शन लगवाया था ना, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके दिमाग में अभी भी है। ऑगी का कटा देता मैं हूँ, ये होगा मेरा थंबनेल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग की अभी एडिटिंग चल रही है, सुबह के बज रहे हैं 8। ऑगी उठ गया है, शिल्पी ऑगी को टेरेस पे लेके गई थी, वहाँ पे उसने पॉटी कर ली, उसके बाद नीचे आके शिल्पी ने उसको बॉइल्ड एग खिला दिया। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। कल जो ऑगी ने इंजेक्शन लगवाया था ना, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके दिमाग में अभी भी है, शायद दर्द हो रहा हो या फिर सच में कोई दिक्कत हो उसके अंदर से। थोड़ा सा वो सुस्त है, लेकिन बाकी चीजें एक्टिविटी सारी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सुस्त है। उसको कल 2 वैक्सीनेशन लगी थी एक्चुअली, जो उसके बूस्टर्स वगैरह होते हैं वो, और कोरोना वैक्सीन लगी थी। तो हंस बोल लिया कर, हंस लिया कर, हंस लिया कर, इतनी हंसमुख माँ मिली है तुझे। अडॉप्टेड माँ, स्टेप मॉम, स्टेप मॉम, ऑगीज स्टेप मॉम, ऑगीज स्टेप मॉम, ऑगीज का करता धरता मैं हूँ, ऑगी का करता धरता मैं हूँ। ऑगू गुड मॉर्निंग, ऑगू गुड मॉर्निंग बेटू, ऑगू का मूड नहीं है बात करने का। गुड मॉर्निंग ऑगू, यू टू बाय। इतनी देर नहीं आ रही है, आईज नहीं खुल पा रही हैं। तो बात बताओ, तुम यादों पे मरते हो, क्या तुम अब भी हमसे मोहब्बत करते हो? तो शिल्पा यू आर गोइंग डाउन स्टेयर्स, यॉनिंग एंड गोइंग डाउन स्टेयर्स। किधर है ऑगू, किधर है? उधर बैठा, जमीन पे बैठा है क्या? चलो आता हूँ मैं बस नहा धो के। हाँ इट्स अ गुड मॉर्निंग टुडे। धूप बहुत तेज है यहाँ, फिर इतनी सर्दी है नहीं जितनी अलीगढ़ में पड़ती थी। पेड़ सही है, अभी तक तो पानी वानी मिल रहा है इन्हें कायदे से। ये थोड़ा सा मुरझाया सा क्यों लग रहा है गेंदे का फूल, पता नहीं। ऑगू क्या कर रहा है? प्यारी बेटी, ये प्यारी बेटी, ये कैसे हुआ? ऑगी ये किसने किया, ये किसने किया? बाहर आओ, बाहर आओ। गलत बात है भाई, तुम ऐसे करोगे तो तुमको घर में अंदर बंद करके रखना पड़ेगा। सारे पेड़ तोड़ दिए यार इसने, तो इसने नहीं किया, हो सकता है ये, इतना इसकी हिम्मत नहीं है ये करने की। पेड़ सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। करी लीव्स देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो बस मैं जल्दी से ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट करके नहाने जाता हूँ, उसके बाद नीचे जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज ऑफिस का दिन है, लेट नहीं होना है मेरे को। चमक क्यों रही हो तुम कैमरे में? कैमरे में चमक रही हो कि सच में चमक रही हो? राज क्या है मुस्कान की, चमकान का राज क्या है? ऑगू जैसे ऑगू से मिले ऑफिस से आके, मेरे से नहीं मिले। अब मिल रहा हूँ ना बाबा, ऑगू से भी अभी कहाँ मिला, अभी बस बैठा था ऑगू के पास। ऑगू को चॉकलेट खिला सकते हैं कि नहीं? शिल्पी नहीं, कीड़े लग जाएंगे, अभी एक भी कीड़ा नहीं है। क्या हम ये गूगल पे डॉगी को मीठा नहीं खिलाते? ऑगू ये होगा मेरा थंबनेल। देखो कैसे तड़प रहा है बेचारा ऑगू, ये देख उसके पैर पे मार रहा है, इसके नाखून है ना तो लगते हैं पैर पे। नहीं खिलाएंगे भाई तुमको, नहीं खिलाएंगे तुमको, कुछ और देंगे। तो मैं शिल्पी के लिए ये चॉकलेट लेके आया, इसके पहले एक चॉकलेट लेके आए थे, दैट वाज 100% बिटर। बिटर ये 75% है। एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ, 75% ऑफ रिच इन कोको, 75% रिच इन कोको है वो। वो 90% थी, वो 100% थी। इसका रैपर भी है मेरे पास। है कहाँ पे है? किसी बैग में डाला। तो ये वाली खा के देखो कैसी है, 75% है। आई थिंक आई गेस ये वाली बेटर होगी इस वाली से, टेस्टी लगी, ये भी अच्छी लगेगी। एक दो तीन, हम घर में तीन लोग हैं। हाँ एक दो तीन, ठीक है जी, मतलब ऊपर वाली फ्लोर में तीन लोग हैं, राइट? ओह माय गॉड टेढ़ा कर दिया, ऑगी को मिलेगा टेढ़ा। ऑगी को कम वाली मिलेगी, ये शुगर फ्री चॉकलेट है ना तो ये वाली खिला सकते हैं उसको। ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, ये मेरी है। अच्छा चीटर, चीटर कॉक पीकॉक। ये ले, उस वाली में भी कोई फर्क नहीं है जो अब मैं खा रही हूँ इसमें, और जो हम लोग रेगुलर खाते हैं। नहीं जो वहाँ रखी है देखो ना, है इसमें मिल्क फ्लेवर ज्यादा है, इसमें मिल्क फ्लेवर नहीं है, बस राइट बस यही है, मीठापन दोनों का सेम है। ऑगी लो। नहीं बाबा इसका कम है, थोड़ी अभी उसको निकाल के देखते हैं, अभी उसको निकाल के देखते हैं कि वो वाली उसमें कितना कोको पर्सेंट है।
तुमको याद है जब तुम मुझसे मिलने आते थे, तुम मेरे लिए लेकर आते थे? याद है मेरे को। ये वाली खा ले, ये शुगर फ्री है। और तुमको याद है तुम मेरे लिए रम वाली लेकर आए थे? हाँ, वो मैंने नहीं खाई थी। रम एंड रेजन्स मुझे नहीं अच्छे लगते। ये लो ऑगी की यादी तुम्हारी। ऑगी की यादी मेरी? आई एम प्रिविलेज्ड। ऑगी मेरी है। हाँ तो शिल्पी ये बताओ कि बाइक राइड होगी आ गया। तो शिल्पी ये बताओ बाइक राइड पे चलोगी कि ड्राइव पे चलोगी? कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता। देखो गौरव गया है शादी में लखनऊ। उस क्या कर रहा है? रैपर खा रहा है। हाँ तो गौरव गया है शादी में लखनऊ, तो स्वाति है घर पे अकेली। तो किडनैप करें उसको। तो चलो गाड़ी लेके चलते हैं, उसको किडनैप करते हैं, तीनों लोग घूमते हैं थोड़ा सा, फिर उसको ड्रॉप करते हुए चले आएंगे। चिल हो जाएगा उसका भी, हमारा भी। वो चिल है पहले से बंदी। नहीं वो तो ठीक है, और चिल कर देंगे उसको। बताओ हैंग आउट हो जाएगा। A few inches later. तो नहा धो के तैयार हो गए, प्लान बन गया है कि मैं, ऑगी और शिल्पी जा रहे हैं बाहर डिनर करने, थोड़ी देर घूमने फिरने, तफरी काटने को। तो देखो मैडम हो गई है तैयार, ऑगी भी हो गए तैयार। ऑगी देखो खुद से अपना वो मुंह में पकड़ा हुआ था, अभी पकड़ा हुआ था, खुद से मुंह में दबा के चलता है अपनी लिस्ट की, चलो मेरे को लेके चलो। ऑगी आज बिल्कुल भी ड्राइव करने नहीं दे रहा है। ऑगी व्हाट आर यू डूइंग मैन, फार्ट कर रहा है कार में यार, सीरियसली। ऑगी What the fuck are you doing? बाप रे, थोड़ी देर में एकदम छटपटा गए हम लोग। आ रही है तो बता दे, करवा देते हैं तुझे कहीं। हाँ तो गाइस उस वक्त मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ना जब से लवादा आए तब से ना थोड़ा बोर से हो रहे हैं, अब की बार यहाँ पे पता नहीं क्यों उतना अच्छा लग नहीं रहा है। आई थिंक दिस इज अ ट्रांजिशन फेज, जो थोड़े यूजुअल चैलेंजेस होते हैं वही मैं भी फेस कर रहा हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ना मूड कम सा बनता है आजकल। इसीलिए दो दिन पहले मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए, क्योंकि यार बस थोड़ा सा सेटल नहीं है ना यहाँ मामला, तो वही सब सेटल करने में लगे हुए हैं इस वजह से। तो आज ऐसे ही मन हो रहा था बाहर निकलने का, थोड़ा मूड लाइटन अप कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं सिविल लाइन्स को, ऑगी को भी लेके निकलते हैं, शिल्पी को भी लेके निकलते हैं, डिनर करेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर फन करेंगे। ऑगी को देखो कैसे मस्त मज़े मार रहा है। तो ऑगी को ना पोटी आ रही थी, इसलिए हम उसे कार से नीचे उतारे, और फिर यहाँ पे भैया का ये स्टोर दिख गया, तो ये हुआ कि चलो मैगी खा लेते हैं। स्पाइसी रहेगा? स्पाइसी थोड़ा सा रहेगा दादा, ज़्यादा नहीं रहेगा। हमारी मैगी आ चुकी है, लाइट थोड़ी कम है इसीलिए आईफोन से शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। यहाँ एक बेंच दिखी हमें, तो शिल्पी और ऑगी बैठ गए हैं यहाँ पे, इधर ही बैठ के अपन खाएंगे। गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्कड है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लो भाई गर्मा गर्म मैगी खाओ। मेथी की खुशबू आ रही है। मेथी? ऑगी की पॉटी की ना खुशबू आ रही है। नहीं मैं बस चेक कर रही हूं। ओके ओके ओके। ये देख रही पान की दुकान सोफिया लॉरेंस? हाँ। ये इलाहाबाद की बहुत फेमस दुकान है। लल्लू पान बंद है क्या? कोल्ड ड्रिंक कैसे पियेंगे अब? वो नहीं पीनी मैंने। चल ठीक है ना, हर बार एक ही चीज चाट मसाला डाल दिया कोल्ड ड्रिंक में। चाट मसाला नहीं रे, मुझे नहीं अच्छी लगी वो। हम लोग गौरव के घर के बहुत पास है, लेकिन गौरव तो है नहीं इसीलिए मुलाकात नहीं कर सकते। गौरव गया लखनऊ शादी में, हमें अकेला छोड़ दिया। नहीं उसने बोला था कि चल लो साथ में, लेकिन मैं ही नहीं गया। भी दूसरा एक मॉल है इधर, विनायक सिटी सेंटर मॉल। इसके पहले जो चौक दिखाया था ना वो था इंदिरा गांधी चौक। यहाँ पे गांधी परिवार का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है हमेशा से, पुराने जमाने से। हिस्ट्री बड़ी रिच है इलाहाबाद की, वो एक अलग बात है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भाई हिस्ट्री में जाके क्या ही करना। ओ गिर गया होगी, हाथ में लगी, नाखून बहुत तेज मार के गिरा है। ऑगी को अब से नहीं लेके आया करेंगे हम लोग वहाँ, पक्की बात है। अनलेस हम कहीं डेस्टिनेशन पे ना जा रहे हो ना, ऑगी को लेके नहीं आएंगे। नहीं आएगा। नो, तो मैं भी नहीं आ रही। मुश्किल हो जाता है यार इसके साथ गाड़ी चलाते चलाते रहना एकदम।
एक तेरी आइसक्रीम तो मिल रही है इधर, दैट इज फॉर श्योर। बाकी मैं उधर पूछ लेता हूँ कि जेड गार्डन खुला है कि नहीं है। तो यही है वेज वालों के लिए, यही ऑप्शन है, पनीर दो प्याज़ा खा लो, दाल मखनी खा लो। प्याज़ा नहीं खाती मैं, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी और मिस्सी रोटी और रायता। तो आज भी तो वही मंगाया है, पनीर रायता मिस्सी रोटी। This favorite cheese. This is not my favorite. Who told you? मुझे पता है ये सबकी फेवरेट है, तुम्हारी भी फेवरेट है। अरे यार जब तुम लोग यहाँ गए थे पिछली बार याद है? ये गर्म पानी इतना सही लग रहा है ना, हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे को भी, थोड़ा सा आशीर्वाद तुम भी ले लो, प्रसाद आशीर्वाद। So we are back home. हमारी आउटिंग बहुत सेटिस्फाइंग रही, फुलफिलिंग रही और अकम्प्लिश्ड फील हो रहा है। घूम घाम के खा पी के बाहर आने में हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हम रेस्टोरेंट के अंदर घुसे हैं रात 11 बजे, हाँ रेस्टोरेंट में घुसे हैं रात 11 बजे, इसीलिए हमें लिमिटेड क्या कहते हैं टाइम मिला रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था और हम जहाँ जाना चाहते थे खाना खाने वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वो बंद हो चुका था, क्योंकि हम लेट हो गए थे। खैर बहरहाल खाना बहुत अच्छा था, शिल्पी मैडम को खाना बहुत पसंद आया। क्यों पसंद आया तुम्हें? हम गए थे भाई सिविल लाइन्स में जेड गार्डन, उसका बोर्ड वगैरह का शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ना वो रेस्टोरेंट बंद ही हो गया था, लाइट वाइट बंद हो गई थी, बस हमें एंट्री मिल गई किसी तरह, इसीलिए वहाँ के बोर्ड वोर्ड का शूटिंग नहीं कर पाए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम शूट करेंगे, वहाँ गार्डन भी है एक, वो भी नहीं शूट कर पाए। ये सब चीज़ें तो अब यहाँ पे आ गए हैं तो जाते आते रहेंगे, शूट तो होता रहेगा। खाना बहुत अच्छा था वहाँ का, शिल्पी को पसंद आया, ये नोट करने वाली बात है। क्यों ऐसा क्यों? हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि यूपी में खाना कहीं अच्छा मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हें आयरॉनिकली खाना पसंद आ गया था, तो ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये नोट करने वाली बात है कि तुम्हें पसंद आ गया था खाना। अब फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और वीडियो पे कमेंट करके जाना कि कौन सा पार्ट वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।